हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सोनू कसाना एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड बुक अ पैक्ट विद द सन एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। ओके, लेट्स स्टार्ट। की पॉइंट्स: अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड, एक मदर चिड़िया और उसके दो बच्चे उन जंगल में उनके साथ रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर थी, मदर बर्ड थी, वो किसी स्टॉर्म में, किसी तूफान में मर गई और जो बच्चे थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ओके, सेपरेटेड मीन्स बिछड़ जाना, अलग हो जाना, है ना। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को, जो दो बच्चे थे, उन्हें अलग अलग तरह के घर मिले, वो अलग अलग जगह रहने लगे। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ, जो नवजात बच्चों के साथ, जिनका जन्म अभी अभी हुआ हो, ऐसे बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टाल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वे एक बड़े और छायादार पेड़ में घोंसला बना करके रहते थे। नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसला बना करके रहते थे। एंड जो मदर बर्ड थी वो टुक केयर, वो उनका ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी। तो केयर मीन्स ध्यान रखना, देखभाल करना, ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, रात दिन, रात दिन वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत तेज तूफान आया। देयर वॉज थंडर, बिजली कड़क रही थी, लाइटनिंग और चमक रही थी, एंड रेन और वर्षा हो रही थी। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने, आंधी ने बहुत से पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड, जिस पेड़ में चिड़िया रहती थी, वो जो बड़ा पेड़ था, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी और भारी टहनी ने उस घोंसले पर गिरी आकर के, उसे हिट किया, उसे मारा। फॉर्चुनेटली ऑफ द फॉर द बेबी बर्ड, भाग्य से, भाग्यवश, वो जो छोटे बच्चे थे, चिड़ियाँ थी, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे, तेज हवा उन्हें दूर उड़ा करके ले गई, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे कोने पर। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। वन ऑफ देम, उनमें से एक, जो दो बच्चे थे उनमें से एक, केम डाउन नियर अ केव, एक गुफा के पास गिरा। वेयर आर गैंग ऑफ रॉबर्ट्स लिव, जहाँ रॉबर्ट्स का, यानी डाकुओं का, एक गैंग रहता था, एक समूह रहता था। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्ट लिव, जहाँ एक डाकुओं का गैंग रहता था, समूह रहता था, एक तो वहाँ गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा, थोड़ी सी दूर आगे, दूसरी तरफ। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। डेज पास्ट, दिन गुजरे, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड, और जो बच्चे चिड़ियाँ थी वो बड़े, बड़ी चिड़ियाँ बन गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उस देश का राजा उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, शिकार करने के लिए आया। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, ही सा अ डियर, उसने एक हिरण को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और इसका पीछा किया, ठीक है। राइड आफ्टर इट मतलब पीछा करना, रोड आफ्टर इट, इसका पीछा किया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, डीप इन टू द फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल में, जंगल में अंदर तक,
जैसे बड़ा जंगल था, जंगल के अंदर की तरफ वो घुसता चला गया, कौन? हिरन। ओके, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसका पीछा करते रहे, राजा उसके पीछे पीछे चलते रहे, उसे फॉलो करते रहे, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। सून, जल्द ही द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा को लुको अपना रास्ता भूल गए, राजा को अपना रास्ता खो गए, राजा को नहीं पता रहा कि मैं हूँ कहाँ, मुझे किधर से आना था और किधर जाना था। एंड ही डिड नो वेयर ही वॉज, और ये नहीं पता था कि वो फिलहाल खड़ा हुआ कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने बहुत समय तक एक रास्ता पीछा किया, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, उसने तब तक पीछा किया उस हिरन का जब तक कि वह जंगल के दूसरे कोने पर नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ, और अब तक वह बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, गॉट ऑफ मीन्स उतरा, हिज हॉर्स अपने घोड़े से, वह अपने घोड़े से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, अंडर द ट्री, और बैठ गया नीचे एक पेड़ के। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, ओके, यस, दैट स्टूड नियर ए केव, जो एक गुफा के पास खड़ा था। सडनली, सडनली मीन्स ऑल ऑफ सडन, अचानक से एकदम। ही हर्ड अ वॉइस क्राइंग आउट, उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाती हुई, क्विक क्विक, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, क्विक बोलते हैं उसे, क्विक, हरी अप, जल्दी करो, देयर्स समवन अंडर द ट्री, कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज जेवल्स, आओ और उसके वस्त्र आभूषण ले लो, उसके जेवरात ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी, उसके आभूषण और उसका घोड़ा ले लो, हरी जल्दी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और नहीं तो क्या होगा, वह हाथ से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ, अमेज्ड वंडर्ड, अमेज्ड वंडर्ड, आश्चर्य होना, राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और देखा एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया उस पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, ही ऑल्सो हर्ड, उसने सुनी फेंट नॉइजेज, मतलब खर्राटों की आवाज़, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि गुफा से आ रही थी, उसने गुफा से आती हुई खर्राटों की आवाज़ भी सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से गॉट ऑन हुआ, चढ़ा ऊपर, बैठा टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पर, एंड रोड अवे, और निकल लिया एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वह निकल सकता था। ओके, वह घोड़े पर चढ़ा और बहुत जल्दी करके निकल लिया। ओके, नाउ देर आर 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3, एंड वी हैव टू, यस, फर्स्ट वन इज द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर इस सिमिलर वॉइस अगेन। अब आगे के पॉइंट्स में क्या आएगा, उसने ऐसी ही एक और आवाज़ सुनी राजा ने, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये सुन करके कहानी कैसे है आगे। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और उसे चिड़ियों की सच्ची कहानी, सही कहानी का पता चलता है राजा को। ही मेट द ऋषि, वह उस ऋषि से मिलता है, हु एक्सप्लेन्ड, जो उसे समझाते हैं, जो व्याख्या करते हैं, बताते हैं उसे द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, चिड़ियों के प्रति, दोनों चिड़ियों के बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो, एंड यस या वी विल कंप्लीट इट वेरी इजली। ओके, एंड वन मोर थिंग, देर आर सम वर्ड्स I want to repeat them. Okay, first one is newborn. Newborn means who is born recently, जो अभी जन्मा हो, जिसका जन्म अभी कुछ ही समय पहले हुआ हो. Okay, and day night means
नॉट ओनली रात दिन, इट मीन्स 24 आवर, 24 घंटे लगातार कंटिन्यूसली. ओके, थंडर थंडर जो एक आवाज़ होती है, गड़गड़ाहट होती है. लाइटनिंग जो बिजली चमकती है, जब आपने देखा होगा बादलों में बिजली चमकती है. ओके ओके यस, रोबर्स, रोबर्स मीन्स डाकू. हाँ डाकू. ओके ओके, नोट डाउन दीज बर्ड्स एंड सम मोर अदर्स एंड 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 सेंड होमवर्क टू मी. ओके यस, डेज पास्ड, समय गुजरा ना, दिन गुजरे. ठीक है, रोड आफ्टर इट, पीछा किया. रैन डीप, घने जंगल में. ठीक है, यस, एंड यू हैव टू फाइंड सम मोर एज फेंट नॉइजेस गॉट ऑन, गॉट ऑन, गॉट ऑन कंप्लीट. ओके गॉट ऑन. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. एंड यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम एंड एनी डिफिकल्ट वर्ड बिलो द वीडियो फॉर टू एक्सप्लेन और टू आस्क द हिंदी. ओके थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी.